स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 14वां पार्ट है और हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है, अप्रैल से मार्च या जुलाई से जून? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है, 122 रुपये प्रति 10 ग्राम या स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य? रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए, 200 करोड़ रुपया या 115 करोड़ रुपया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और आप ये बताएं कि इनमें कौन सही है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कथन है और ये चूंकि पूछा हुआ प्रश्न है आईएएस में, तो मैं इसको ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। ये शीर्ष बैंक है और ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, दोनों सही या दोनों सही। आपको सही उत्तर का आंसर करना है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है, और आप बताएं, मुद्रा स्फीति के दबाव को नियंत्रित करना या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना? वो भारतीय राज जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, बहुत बेहतरीन है, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, शहरी सहकारी बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? देखिए, इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत कंसेप्चुअल है और इसको आप बार बार सुने तो आपको समझ में आएगा और इसको आप लिखा भी करें, और कंटेम्प्ररी है, थोड़ा करंट से भी रिलेटेड आता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग करंट को ही पढ़ते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बताइए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन कार्य नहीं है, सरकार का बैंक या जनता से जमा स्वीकार करना? इनमें से कौन कार्य नहीं है इसका? और नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है, बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आता है ये एग्जाम में, तो इसको आप बार बार रिवाइज करिए। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? भारत का विदेशी विनिमय संचय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का प्रतिरक्षक कौन है, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक? तो ये है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप बार बार सुने और बार बार। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, स्टेट बैंक का, दिल्ली
या मुंबई। तो चलिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पे आप नोट्स बनाएं और लिखें और बार बार सुनें और याद करें। आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। थैंक यू।